मैंने अपनी झाड़ू फिनिश कर ली और अब मैं पौधों को पानी दे दी हूँ। मेरी हरे भरे मेरे छोटे से पौधे, छोटा सा बागीचा मेरा, पक्षियों को पानी रख दिया। अब मैंने नेक्स्ट के लिए रॉयल कैनन भी दे दिए हैं। पेडिग्री वगैरह ना बोलते हैं थोड़ा सा डॉग के लिए इतना अच्छा, इसलिए मेरे हस्बैंड रॉयल कैनन में मंडी मॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब यहाँ पे मेरी डस्टिंग और क्लीनिंग ख़त्म हुई, हस्बैंड भी उठ गए हैं और बाहर जाएंगे, और मैक्स भूखों की तरह देखो ये क्या कर रहा है। मैक्स क्या कर रहा है, क्यों क्यों ऐसे कर रहा है। अब मैं जल्दी से मॉपिंग कर लेती हूँ। हाँ जी, अब मेरी मॉपिंग भी हो गई है और अब मैं बस नहाने जा रही हूँ। यहाँ पे ये बच्चा पार्टी मेरी सोई पड़ी है। एक्चुअली उनको आदत है ना छुट्टियों में लेट सोने की, लेट उठने की, ये सो रहे हैं। मैं अब नहाने जा रही हूँ और उसके बाद फिर पूजा करेंगे और उसके बाद किचन का बाकी काम करेंगे। ओके, मिलते हैं। यहाँ पे मेरा सारा काम, डस्टिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग वगैरह सब हो गया। मैं नहा भी ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, और पूजा करने के बाद मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ, मैंने क्या वियर किया है। ओके, पूजा करके आती हूँ मैं। अब मेरी पूजा भी हो गई है समाप्त। ज़्यादा परफेक्ट नहीं है एक्चुअली, ज़्यादा मैंने नया पहना नहीं है, प्लाजो पजामा विथ कुर्ती। मैं मैक्स का कैनिन मैश कर देती हूँ क्योंकि मैक्स भी बहुत देर से वेट कर रहा है, और मम्मा ही कब खाने के लेंगी, बेचारा बैठा बैठा मुझे देख रहा है। और फिर मेरा किचन का काम शुरू हो जाएगा, जो कि हर लेडीज़ का पूरा दिन किचन में, चाहे पूरा दिन बिता लो किचन में लगी रहेंगी, सारा काम एक तरफ और किचन का काम एक तरफ रहता है पसीने के साथ साथ। अच्छा, एक बात का मुझे ये बताओ, किचन में काम करना तो मुझे लगता है कि हर एक गृहिणी, हर एक औरत का अच्छा लगता है। किचन के बिना औरत अधूरी है ना, सच्ची बात है। कहते हैं ना, दिन की शुरुआत पेट से, किचन से वो बात हो रही है। देखो हमारे मक्षू को देखो, पूरे जोरों से, हाँ, इसका इसकी नज़र पूरी खाने पे है। मेक श्योर पूरा खाना खाएगा, खाना खाओगे, भूखी रुची को भूखी, सच्ची में कितनी भूखी, कितनी भूखी भूखी खाना, हाँ जल्दी से नहीं दूंगी, दो आ जाओ तो लंच में क्या बनाऊँ। अभी तो नाश्ता नहीं हुआ है, उठे ही नहीं है बच्चे, और हमारे मिस्टर जी चले गए हैं बाहर काम से, आएंगे काम करवा के, वही 12 बज जाएंगे उनको आते, 12-1 तो बज ही जाएगा तब उनका नाश्ता होगा।
नेट बहुत ही बनता था, खाने में भी और नाश्ते में भी। अच्छा मुझे एक बात सजेस्ट करना कि अरे मौसम ऐसा हो रहा है ना, कुछ भी रखो, दाल हो, राइस हो, एक तो इसमें वो कीड़े होते हैं ना, वो छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उसको, सुराही सुराही जो होती हैं वो लग जाती हैं, तो उससे बचने का उपाय, सामान को बचाने का उपाय बताना। मैंने पैकिंग क्लिप भी मंगवाई हुई है, पर कोई फ़ायदा नहीं रहता उससे। पैकिंग क्लिप इस तरीके की सामान को लेती हूँ और पैक कर देती हूँ, क्योंकि डब्बे में भी ये देखो इस तरीके की, इस टाइप की, ये वैसे होती बहुत अच्छी हैं, क्योंकि सामान में ना हवा ना लगती है, हवा नहीं लगती है। और पर फिर भी कितना ही बचा लो, फिर भी ना कीड़े मकोड़े छोटे छोटे वो आ ही जाते हैं, कितनी दवाई लगा लो। राइस में भी वो लगाते हैं ना वाइट कलर का पाउडर सा, कैसा दवाई जो आती है, आज पैकेट वाले जो राइस होते हैं उनमें नहीं लगता कुछ भी, वो सही रहते हैं। अब जो खुले हुए जैसे लेते हैं ना उसमें लग जाता है, इसमें मैं तो हमेशा यूज़ पैकेट वालों का ही करती हूँ, क्योंकि खुले हुए पहले आ जाते थे कहीं से, तो बहुत आगे तो उनसे फेंकने लगे थे। इस सीज़न में ना हर चीज़ तो ख़राब हो जाती है, इसलिए कम क्वांटिटी का लेकर आओ तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी चलो मैं बाकी का काम लंच वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी लंच में क्या बनाया है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।